Assalamu alaikum. Today we are going to discuss another system that is excretory system. जब हम food लेते हैं तो some of the food it gets digested but some of the food it remains undigested and this undigested food it has to be removed from the body. So how will it occur? ये हो जाता है by a system that is excretory system and a process is called excretion. So excretion is the process of removal of waste products and और उस system को हम क्या बोलते हैं excretory system. अब excretory system का क्या काम है? It removes wastes from the body and that waste it can be in the form of liquid waste जिसको हम बोलते हैं urine और it can be solid waste और it can be a watery fluid that is sweat. अब क्या करता है? अब ये रिमूव करता है वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी. जो ह्यूमन बॉडी है इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं विच हेल्प इन द एक्सक्रीशन, लाइक लंग्स हैं, स्किन है, लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं, किडनीज हैं, लिवर हैं. हम देखें जो लंग्स हैं ये किस में आता है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है. ओबियसली ये क्या काम करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है. जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी हमारे लिए क्या है? एक किस्म का वेस्ट मटेरियल है. सो इसको भी बाहर निकालना है तो इसको कौन बाहर निकालता है? लंग्स. फिर है स्किन. स्किन निकालता है एक्सेस वाटर जिसके साथ साल्ट्स भी डिजोल्व होते हैं बाय मीन्स ऑफ द प्रोसेस डैट इज स्वेटिंग. फिर हमारे पास है नेक्स्ट किडनीज जो मेन ऑर्गन्स है फॉर एक्सक्रीशन. बट ये रही बात हायर ऑर्गेनिजम्स की. बट इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और वी कैन से इन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स इनमें कैसे एक्सक्रीशन होता है, लाइक इन अमीबिया और पैरामीशियम. जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बोला जो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें क्या, इनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस. तो इनमें ये कैसे एक्सक्रीशन करते हैं? दे एक्सक्रीट थ्रू जनरल बॉडी सरफेस बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. या यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखोगे, जो अमीबिया है इनमें होते हैं एक वैक्यूल्स, उनको हम बोलते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. ये मदद करते हैं एक्सक्रीशन में बट इट हैपन्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. हमारे पास जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें होता है एक, उनमें ऑर्गन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मालफीजन ट्यूब्यूल्स, जो मदद करते हैं किसमें, एक्सक्रीशन में. इन केस ऑफ अर्थवॉर्म और लीचेस जो हैं, ये चीज़ आप इन दो तीन का आप याद रखोगे, अर्थवॉर्म एंड लीचेस उनमें होते हैं नेफ्रीडिया विच हेल्प इन एक्सक्रीशन. सो ये रही बात स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स की. बट इन केस ऑफ लार्ज ऑर्गेनिज्म और हायर ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन अलोन इज नॉट सफिशेंट. तो यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं फॉर एक्सक्रीशन, लाइक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा. जो किडनीज होते हैं दे आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. किडनी की शेप होती है, दे आर बीन शेप्ड, अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. और ये होते हैं, दे आर लोकेटेड जस्ट अबो द वेस्ट, जो आपकी कमर है वेस्ट उसी के इधर साइड ऑफ द ये होता है. एंड दे आर पेयर्ड, यानी कि ये दो होते हैं, वन इज लोकेटेड ऑन लेफ्ट साइड एंड अनदर इज ऑन राइट साइड. ठीक है. और जो किडनीज होते हैं इनमें कॉइलर ट्यूब्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कॉइलर ट्यूब्स, उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स. सो नेफ्रॉन्स दे आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी. ये आप याद रखो कि नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, दे एक्ट एज फिल्टर्स, यानी कि ये फिल्टर करते हैं हमारी ब्लड को. जो हमारे ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है उसको क्या बाहर निकालता है उस, सो ब्लड इसने फिल्टर किया, इसको प्यूरीफाई किया. ठीक है. सो दे एक्ट एज फिल्टर्स. अब देखिए जो वेस्ट मटेरियल है किडनी में इन द लिक्विड फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन. एंड आप याद रखोगे जो यूरिन है इसकी कंपोजिशन है 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% वेस्ट प्रोडक्ट्स. इन केस अगर यूरिन में क्या प्रेजेंट हो, ग्लूकोज और शुगर, एट दैट टाइम दैट पर्सन मे बी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, तो उसको क्या है फिर, डायबिटीज. ठीक है. अब देखिए, अब ये लिक्विड वेस्ट जो यूरिन है ये जब कलेक्ट हो जाता है किडनीज में तो वहाँ से ये निकल के इस जो ये नैरो ट्यूब्स हैं यूरिटर फ्रॉम
बोथ साइड्स, तो यहाँ से ये आ जाता है किडनी से होके ये किस में जाता है, इस यूरिटर में, और यूरिटर्स इट इज़ कनेक्टेड टू अ लारी सैक, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। फिर ये यूरिन स्टोर रहता है इस यूरिनरी ब्लैडर में। यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से फिर नीचे जो है ये दूसरा ट्यूब, इसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा। यू कैन सी इन दिस डायग्राम दिस यूरिथ्रा अनदर ट्यूब, इसमें यूरिन जाता है और फिर ये यहाँ से बाहर निकल आता है। सो दिस यूरिथ्रा इट एक्ट इज एज द आउटलेट पैसेज फॉर यूरिन। सो ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर हमारे पास नेक्स्ट एक वेस्ट मटेरियल है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वेट। देखिए जब समर डेज में क्या स्वेटिंग ज़्यादा होती है, जो स्वेटिंग फिर बाहर निकलती है थ्रू द स्किन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वेटिंग बोलते हैं। सो स्वेटिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ वाटरी फ्लूड फ्रॉम स्वेट ग्लैंड्स इन द स्किन, और इस वाटरी फ्लूड के साथ बहुत सारे साल्ट ऐड होते हैं। यू कैन सी जब समर में क्या हमारे कपड़ों में जब स्वेटिंग होती है फिर वहाँ पे वाइट पैचेस होते हैं, दोज वाइट पैचेस आर एक्चुअली द साल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट। और इस स्वेटिंग का क्या एडवांटेज है, इट प्रोड्यूसेस ए कूलिंग इफेक्ट इन आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी को ठंडा करता है। बट अगर हैवी लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा हमारी बॉडी से, तो हमारा जो ब्लड है वो थिक हो जाता है, फिर वो प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं करता है। इसीलिए हमें एडवाइस किया जाता है अगर स्वेटिंग हो जाए बट हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्लूड, और हमें यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और हमें अपने साल्ट में क्या करना, सॉरी हमें अपने डाइट में साल्ट ऐड करना चाहिए। तो ये था स्वेटिंग। अब हम कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी किडनीज क्या करती हैं, दे फेल टू फंक्शन, यानी कि हमने सुना होगा किसी को किडनी फेलियर हो जाती है। अब इन पेशेंट्स को ये वेस्ट मटेरियल यानी कि उनकी किडनी फंक्शन नहीं करती है, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन। अब इनके साथ क्या किया जाता है, इनके साथ क्या, इनको एक प्रोसेस, आर्टिफिशियल प्रोसेस के ज़रिए इनसे ये वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस। सो डायलिसिस ए आर्टिफिशियल प्रोसेस है इन विच द वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड इज रिमूव्ड इन द पेशेंट जिनकी किडनी क्या करती है, जिनकी किडनी फेल हो जाती है। अब इन पेशेंट्स में ये कैसे ये वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं, ये किडनी मशीन जो है ये रिसीव करती है ब्लड थ्रू ए ट्यूब जो किसके साथ कनेक्ट होती है, टू एन आर्टरी इन द आर्म, यानी कि आर्म में जो आर्टरी है उसके साथ ही ट्यूब को कनेक्ट किया जाता है, और ये बॉडी से क्या लाती है, ब्लड लाती है। फिर ये ब्लड क्या, इस ये प्यूरीफाई हो जाता है, इसमें जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं या यूरिया एट्सेट्रा वो क्या बाहर निकल आते हैं। जो ये क्लीन ब्लड है ये वापस भेजा जाता है टू द पेशेंट थ्रू अ ट्यूब जो किसके साथ कनेक्ट हो, टू द वीन इन द सेम आर्म। पहले हमने देखा था ये ब्लड लाता है थ्रू अ ट्यूब जो किसके साथ कनेक्ट है, टू एन आर्टरी, लेकिन यहाँ पे ये क्लीन ब्लड वापस भेजा जाता है उस पेशेंट को टू अ ट्यूब जो कनेक्ट होती है टू अ वीन इन द सेम आर्म, और इस तरह से वो पेशेंट है वो हेल्दी रहता है इन केस अगर उसको क्या हो, किडनी फेलियर हो। बट दिस डायलिसिस इट हैज़ टू बी कैरिड आउट आफ्टर फ्यू डेज। सो ये डायलिसिस मदद करती है उस पेशेंट को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में। सो दिस वॉज यूअर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड विद दिस यूअर चैप्टर एंड इज हियर।